दोस्तों आज मैं आया हूं हल्द्वानी और अभी मैं हूं यहां के दीपावली मेले में जो कि 29 अक्टूबर से लगा हुआ है और 10 नवंबर तक चलेगा और इसकी टाइमिंग सुबह 11 बजे से रात्रि 10 बजे तक की है। और यह मेला पर्वतीय सांस्कृतिक उत्थान मंच हीरानगर हल्द्वानी में लगा हुआ है। यह मेला प्रत्येक वर्ष यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया जाता है और यहाँ पर जैसे ही आप एंट्री करेंगे वैसे ही सबसे पहले आपको यहाँ के बड़े वाले झूले देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर देखिए ये बहुत ही प्यारे प्यारे सोफे लगे हुए हैं और यह है पर्वतीय सांस्कृतिक उत्थान मंच हीरानगर का जो स्टेज है वो है। और ये जो इवेंट है यानी कि ये जो मेला जो ऑर्गेनाइज किया जा रहा है वो PKB इवेंट मैनेजमेंट के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जा रहा है और यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो इस मेले से रिलेटेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है। और इस मेले के ऑर्गेनाइज़र श्री बबलू खान जी हैं जो कि रामपुर के निवासी हैं और हमारे बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, तो वो हमें इस मेले में बुलाते रहते हैं। लास्ट ईयर भी उन्होंने हमें यहाँ पर बुलाया था और हम यहाँ पर आए थे और इस वर्ष भी उन्होंने हमें यहाँ पर बुलाया है तो इस वर्ष भी हम यहाँ पर आए हैं और यहाँ के मेले को शूट कर रहे हैं। इस मेले के मुख्य आकर्षण में कैमल राइडिंग, बड़े वाले झूले और मिक्की माउस है। ये झूले वाला सेक्शन है और यहाँ पर अभी फ़िलहाल ये जंपिंग वाले में एक छोटा सा बच्चा जंप कर रहा है। हालांकि अभी थोड़ी देर पहले जब मैं यहाँ पर आया था तब काफ़ी बच्चे थे लेकिन अभी इस समय सिर्फ एक ही बच्चा है जो कि इसके अंदर जंप कर रहा है। उसके अलावा यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर छोटे छोटे बच्चों से रिलेटेड बहुत सारे झूले आए हुए हैं। और इसके अलावा यहाँ पर है ये बोट वाला झूला और यहाँ पर छोटे बच्चों के लिए टॉय ट्रेन आई हुई है। हालांकि अभी हो रहा है सुबह सुबह का टाइम, मैं सुबह सुबह यहां पर आ गया हूं तो सुबह सुबह यहां पर तो कोई नहीं आया, यहां पर सिर्फ दुकानें इस समय लग रही हैं। और ये है यहां का बड़ा वाला झूला और इसके अलावा यहां पर बहुत सी दुकानें हैं। ये यहां पर है आपका लक्की ड्रॉ वाला, तो यहाँ पर है ये लक्की ड्रॉ। यहाँ पर ये छोटे छोटे बॉल्स हैं जिनको आप डालेंगे इनमें तो नंबर जो भी आएगा उस नंबर के हिसाब से यहाँ पर आप लोगों के लिए गिफ्ट्स रखे हुए हैं, वो गिफ्ट्स आप लोगों को मिल जाएंगे। बाकी यह हो गया आपका छल्ले वाला, रिंग वाला। इसके अंदर आप लोग जो भी रिंग डालते हैं और जो भी चीज़ें इसमें आ जाती हैं वो गिफ्ट आप लोगों का अपना हो जाता है। और इधर है बॉल वाला, इस बॉल से आप लोगों को पीछे जो ग्लास रखे हुए हैं उन ग्लास को गिराना होता है, सारे ग्लास गिर गए तो आपको जो भी गिफ्ट होगा वो मिल जाएगा। और इसका जो प्रति शॉट है वो है आपका 50 रुपीज। यहाँ पर है बॉम्बे भेलपुरी और यहाँ पर है कपड़ों की दुकान, इसमें गर्म कपड़े भी हैं आपके। तो इस लाइन में तो यहाँ पर सारे आपको कपड़े की दुकानें देखने को मिलेंगी, दुकानें काफ़ी अच्छी आई हुई हैं दोस्तों, यहाँ पर दुकानें बहुत बढ़िया बढ़िया आई हुई हैं। स्टेनलेस स्टील के प्रोडक्ट्स जहाँ पे आपको स्टील के हर तरीके के सामान मिल जाएंगे, स्टील के अलावा यहाँ पर आपको प्लास्टिक के प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। और यहाँ पर है ये साड़ियों की दुकान और यहाँ पर है टॉयज़ की शॉप। इसके अलावा इस साइड में देखेंगे तो यहाँ पर लगी हुई है सेल, 350 रुपीज़ में सेल है यहाँ पर, ये 350 में है, इधर है 100 रुपीज़ में और इस साइड में है 250 में। इस साइड में है क्रॉकरी से रिलेटेड आइटम्स, ये पूरा क्रॉकरी से रिलेटेड आइटम्स हैं। और यहाँ पर है ये गिटार मास्टर और इस साइड में है आपका खाने पीने के स्टॉल। और यहाँ पर सेल लगी हुई है 200 रुपीज़ में, तो यहाँ पर आपको ये 200 रुपीज़ के कपड़े देखने को मिलेंगे, वूलन के कपड़े हैं और यहाँ पर है सेल 100 रुपीज़ में। और इस साइड में आप लोग आएंगे तो यहाँ पर सेल है 450 में, 450 में आपको जैकेट्स मिल जाएंगी, ये पूरी जैकेट्स हैं जो कि 450 में हैं। और अभी चलते हैं इससे थोड़ा सा हम आगे और यहाँ पर है माउथ फ्रेशनर्स की शॉप, यहाँ पर आपको पापड़ भी मिल जाएंगे, ये मूंग पंजाबी, उड़द पंजाबी, चना मेथी,
और उड़द, सिंधी, जीरा, इन सब चीज़ों से बने हुए पापड़ आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर है आपका अचार, तो ये अचार की शॉप है। इस मेले में आपको पूजा से रिलेटेड कपड़े भी मिल जाएंगे। ये देखिए, ये मोस्टली पूजा से रिलेटेड कपड़े ही हैं। और ये अभी दुकान लग रही है क्योंकि अभी है सुबह सुबह का टाइम। ये है वूलन कपड़ों की दुकान। ये दुकान स्पेशली मेरे को बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी, देखिए। और यहाँ पे देखिए आपको लोअर, टी शर्ट, स्वेटर्स, गर्म कपड़े और भी बहुत सी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। अभी हो रहा सुबह सुबह का टाइम, तो सुबह सुबह के टाइम यहाँ पर ज़्यादा लोग तो नहीं आए हैं, लेकिन थोड़ी देर के बाद यहाँ पर काफ़ी बड़ी संख्या में लोग आ जाएंगे। और मैं स्पेशली सुबह सुबह इसलिए यहाँ पर आया हूँ ताकि यहाँ पर ज़्यादा भीड़ ना हो और मैं आराम से यहाँ की पूरी वीडियो शूट कर सकूँ। नहीं तो यहाँ पर भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है, और भीड़ जब अधिक हो जाती है तब उस समय वीडियो शूट करना उतना आसान होता नहीं है, काफ़ी दिक्कत आती है। और सुबह सुबह भी जस्ट अभी ये दुकानें खुली हैं, और दुकान खुलने के साथ ही मैं यहाँ पर आ गया हूँ, तो यहाँ पर ज़्यादा भीड़ नहीं है, बिल्कुल ही भीड़ नहीं है। एक तरीके से कुछ ही लोग हैं इस समय। और यहाँ पर है रजाइयों की दुकान। रजाई के साथ साथ आपको यहाँ पर पिलो भी देखने को मिल जाएंगे। और इस साइड में देखेंगे तो यहाँ पर यह है मूर्तियों की दुकान। और ये दुकान काफ़ी अच्छी है, काफ़ी बढ़िया है। ये देखिए आप लोग, मैं थोड़ा सा इसके फ्रंट में आके आप लोगों को दिखाता हूँ। ये देखिए, ये पूरी दुकान कितनी बढ़िया लग रही है। और यहाँ पर है मैट्स, मैट्स काफ़ी अच्छी आती हैं यहाँ पे। ये देखिए, ये पूरा मैट्स की शॉप है, अलग अलग तरह की मैट्स हैं। और सामने भी आपको मैट्स देखने को मिलेंगे। ये देखिए कितनी प्यारी प्यारी मैट्स हैं यहाँ पे। ये देखिए, ये पूरा इन्होंने मैट्स लगा रखा है। और यहाँ पे है टेडी बियर्स की शॉप। इसके अलावा यहाँ पर मैजिक टॉवल है। और ये बेसिकली, ये मैजिक टॉवल क्या चीज़ है बॉस? हाय सर, सर ये मैजिक टॉवल आता है सर, ये होता है मल्टीपर्पज इस्तेमाल। अच्छा सर, सबसे पहले सर ये काम आता है किचन में। अच्छा सर, काम कैसा सर आता है? देखो सर, खाना बनाते हैं, खाना बनाते हुए चाय कॉफ़ी हो गया सर, तेल हो गया, घी हुआ, रिफाइंड हुआ, दाल सब्जी होता है सर। कोई सिंपल कपड़ा करते हैं इस्तेमाल, उसको कपड़ा धोना था साबुन सर्फ से सर, फिर कोई साबुन नहीं, कोई सर्फ नहीं, फिर चाय कॉफ़ी तेल होगा सर, सारा एब्जॉर्ब। और सर आप ऐसे धो लो सिंपल पानी साफ, बिना साबुन के, बिना सर्फ के सर, जिना चाय कॉफ़ी तेल होगा सारा साफ। अच्छा सर, इसमें होता है नहीं? अच्छा, नहीं हुआ काला नहीं हुआ सर, छोटे सर बच्चे जहाँ मर्जी पानी रहते हैं, पानी रख गया, चाय कॉफ़ी रह गया फर्श पर टेबल पर सर, कोई कपड़ा नहीं, वाइपर नहीं, सारा पानी एब्जॉर्ब, पानी हो गया, चाय कॉफ़ी होता है सारा छोड़ देता है सर। सब गाड़ी साफ करो, फ्रीज साफ करो सर, गीले बालों के लिए आता है, मेकअप साफ करने होता है, फ्रीज साफ करने का अरे पानी तो ये गंदा नहीं होता सर? गंदा नहीं होता सर, लाइफ होती है एक साल। अच्छा, लाइफ होती है इसकी एक साल की, और ये गंदा नहीं होता बिना सर्फ साफ? अरे गंदा हो गया तो कैसे साफ करेंगे? सिंपल पानी धो लो साफ, नॉर्मल सिंपल पानी में बिना साबुन के, बिना सर्फ साफ सर, गाड़ी साफ पड़ते हैं सर, गाड़ी साफ पड़ने कोई कपड़ा नहीं, वाइपर नहीं, इसे आप ड्राई करो, ठीक करेंगे गाड़ी पूरी साफ, शीशे पर साफ। अच्छा सर, ड्राई ये तो घर है बॉस, अच्छी चीज़ है। तो यहाँ पर हमें मैजिक टॉवल देखने को मिली, तो मैंने सोचा यहाँ पर आप लोगों को दिखा दूँ, क्योंकि मैजिक टॉवल मैंने आज तक कभी नहीं देखी थी, आज मैं फर्स्ट टाइम ही देख रहा हूँ, तो मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखा दूँ इसको। इसके अलावा यहाँ पर है ड्राई फ्रूट्स की शॉप, कश्मीरी ड्राई फ्रूट्स, यहाँ पर देखिए कश्मीरी ड्राई फ्रूट्स हैं। ये देखिए, ये तो बिल्कुल ही यूनिक चीज़ है। और ये ऊपर क्या है बॉस, ये सबसे ऊपर? ऊपर ईरानी एप्रिकॉट है सर। ये क्या होता है? खुमानी होती है। अच्छा, खुमानी? जी जी, ये भी गुठली के बगैर है। अच्छा, एक तो गुठली वाले आती है, गुठली के बगैर, ये गुठली के बगैर है। एक ये रही है कश्मीरी एप्रिकॉट। अच्छा, ये कश्मीरी एप्रिकॉट, हाँ ये देख लीजिए, तो इसमें वो नहीं होता। चल है, चीज़ बढ़िया, ब्लूबेरी प्लम रहेगा, रोजबेरी, पाइन एप्पल, ड्राई स्ट्रॉबेरी, मिक्स फ्रूट है, चेरी है, ड्राई मैंगो है, मुल्तानी किशमिश है, कश्मीरी किशमिश है सर, महाराष्ट्र वाली किशमिश है, क्रैनबेरी से सारे फ्रूट है सर, मिक्स वाली कंप्लीट ब्रेकफास्ट है। दुकान बढ़िया आपकी, ड्राई फ्रूट की बहुत अच्छी शॉप है। और यहाँ पे जो ये इन्होंने मेरे को दिया भैया ने, जिसे मैं खा रहा हूँ, वास्तव में बहुत बढ़िया चीज़ है बॉस। सारी चीज़ें की रही सर,
और ये ग्रीन ग्रीन में क्या है ये बीच में? ये ड्राई कीवी है सर। अच्छा ड्राई कीवी। ऑरेंज बेरी सर। इसके अलावा यहाँ पर ये है शॉल की दुकान। अब सर्दियाँ आ गई हैं तो यहाँ पर शॉल ऑल की तो रिक्वायरमेंट होती है सबको, और ये सब कश्मीरी शॉल हैं। और कश्मीरी शॉल के अलावा यहाँ पर है साड़ियों की शॉप। यहाँ पे भी साड़ियाँ काफ़ी अच्छी अच्छी आई हुई हैं, बहुत ही बढ़िया बढ़िया साड़ियाँ आई हुई हैं। और यहाँ पर भी शॉल की ही शॉप है। अब सर्दियाँ आ रही हैं तो गर्म कपड़े और शॉल वॉल की दुकान बहुत ही ज़्यादा हैं यहाँ पे। और यहाँ पर है माउथ फ्रेशनर की शॉप। और यहाँ पर आप लोगों को मैं स्पेशल पान दिखाता हूँ। अभी तक आप लोगों को मैंने ड्राई फ्रूट्स दिखाए थे। यहाँ पे ये जो पान है ये बनारसी पान है। ये पान की एक अलग किस्म है और अलग क्वालिटी है। और यहाँ पर ये है कलकत्ता वाला, और इनको अभी थोड़ी देर पहले मैंने खा के देखा। वास्तव में बहुत ही बढ़िया चीज़ है, यूनिक। तो इस मेले में आपको यूनिक चीज़ें बहुत देखने को मिलेंगी। यहाँ पर आया खादी कुर्ता एंड शर्ट्स। तो भाई खादी कुर्तों के तो अपनी एक अलग ही बात है। यहाँ पे इनका रेट भी लिखा हुआ है, हाफ स्लीव शर्ट 250, फुल स्लीव शर्ट 300, शॉर्ट कुर्ता 350 और लॉन्ग कुर्ता 400। इसके अलावा यहाँ पर है आयुर्वेदिक दवाइयों की दुकान। यहाँ पर अलग अलग तरह की आयुर्वेदिक दवाइयाँ आपको देखने को मिल जाएंगी, और आप चाहें तो इनसे कंसल्ट करके ले भी सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आ गए घरों में यूज होने वाले सामान, ये देखिए आप लोग। और यहाँ पर है शॉल, शॉल एंड सूट्स हैं। यहाँ पर गर्म सूट्स हैं, ये सामने गर्म सूट तो काफ़ी अच्छे अच्छे हैं यहाँ पे, और शॉल्स भी ठीक हैं। और इधर आ गया आपका बेडशीट, तो ये पूरा बेडशीट्स की शॉप। ये देखिए यहाँ पर अलग अलग तरह की काफ़ी अच्छी अच्छी बेडशीट्स मिल जाएंगी, ये देखिए। तो मेला काफ़ी अच्छा लगा हुआ है दोस्तों। बाकी इस साइड में आप लोग आएंगे तो आपको सॉक्स की शॉप मिल जाएगी, सॉक्स एंड स्लीपर्स, ये देखिए स्लीपर्स। और इसके अलावा यहाँ पर आपको गॉगल्स भी देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर है बैंगल्स की शॉप एंड आर्टिफिशियल्स ज्वेलरीज। ये दुकान भी अच्छी है। इस मेले में ये पहली शॉप है जो कि आर्टिफिशियल्स ज्वेलरी की है। नहीं तो अधिकतर मेलों में यही शॉप सबसे ज़्यादा होती है, लेकिन यहाँ पर शॉल और गर्म कपड़ों की दुकानें ज़्यादा हैं। आर्टिफिशियल ज्वेलरी की ये फर्स्ट ही शॉप है। और इसके अलावा यहाँ पर आ जाते हैं तो यहाँ पर आपको पेन, की रिंग और भी बहुत सी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी यहाँ पर। बाकी इसके अलावा यहाँ पर है आपका लेडीज़ से रिलेटेड आइटम्स की शॉप, ये देखिए। और यहाँ पर है शॉल्स एंड सूट्स की शॉप। यहाँ पर सारे गर्म कपड़े हैं, गर्म लेडीज सूट्स हैं यहाँ पे। और यहाँ पर है नमकीन की शॉप, बीकानेर का सुप्रसिद्ध भुजिया पापड़ बड़ी, ये देखिए। यहाँ गच्चक भी है। इसके अलावा यहाँ पर है आपके पापड़, अलग अलग तरह के पापड़ हैं यहाँ पर। यहाँ पर भी स्पेशल उड़द मेथी पापड़, चना चटपटा पापड़ और मूंग लहसुन पापड़। तो पापड़ की यहाँ पर अलग अलग वैरायटी है, और यह है तिरंगा पापड़, एक ही में तीन, ये देखिए। केसरिया सफ़ेद हरा, हालांकि थोड़ा पीले रंग का है, लेकिन फिर भी पापड़ में बिल्कुल वाइट देना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन तिरंगा पापड़ वास्तव में एक अलग ही चीज़ है। तो इस मेले में यार बहुत सी अलग अलग चीज़ें देखने को मिल रही हैं, बहुत ही बढ़िया बढ़िया चीज़ें देखने को मिल रही हैं। यहाँ पर देखिए ये बिल्कुल ही ग्रीन पापड़ है, ये रेड हो गया,
ये तिरंगा पापड़ हो गया, और बाकी इसके अलावा ये तो पैक्ड है, ये तो बीकानेर का है। तो इस टाइप की हैं दुकानें। और यहाँ पर है लुधियाना सेल 450, इधर है 250 में सेल, और इस साइड में है 450 में सेल। यहाँ पर लेडीज़ गर्म कपड़े हैं सारे, बहुत ही बढ़िया ही है। ये सोफ़ा कवर, मैट्स, इस टाइप की चीज़ें हैं यहाँ पर, मोस्टली सोफ़ा कवर हैं यहाँ पे। अभी इस मेले में एक चीज़ और बची हुई है जो कि मैंने अभी तक कवर नहीं किया था। यहाँ पर है गन शूटिंग पॉइंट, जहाँ पे लोग गन से गुब्बारे फोड़ रहे हैं। ये देखिए, ये निशाना लगा रहे हैं। तो दोस्तों, अभी हमने ये पूरा मेला घूम लिया है, और यहाँ पर आकर और इस मेले को देखकर हमें काफ़ी अच्छा लगा। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी होगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आगे और ऐसी वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।